लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नरेंद्र मोदी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। एक साथ तीन भारत रत्न का ऐलान किया। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व पीएम नरसिम्हा राव, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान हुआ। जयंत चौधरी के बीजेपी के साथ जाने से ठीक पहले उनके दादा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का ऐलान किया गया। थोड़ी देर पहले जयंत चौधरी मीडिया के सामने आए, मोदी सरकार को धन्यवाद कहा, पीएम मोदी की तारीफ की, ये कहकर बीजेपी से हाथ मिलाने का संकेत दिया कि मैं किस जुबान से बीजेपी को अब इनकार करूं। आपके सब देखिए कोई कसर रहती है, आज मैं किस मुंह से इनकार करूं आपके सवाल। जो आपने बात पूछा कि कांग्रेस में पहले निर्णय नहीं लिया गया, मैं तो अंदर से जानता हूं कितनी बार चौधरी अजीत सिंह जी के मन में ये बात उठी, कितने बार उन्होंने प्रयास किए। बहुत मुश्किल से फिर एक बड़ा अच्छा कदम लिया गया था यूपीए 2 के टाइम के, लखनऊ उस समय अमौसी एयरपोर्ट था, वहाँ चौधरी साहब की प्रतिमा, विशाल प्रतिमा लगाई गई और उसका नाम बदला गया, चौधरी चरण सिंह जी के नाम से आज वो एयरपोर्ट है। मैं जानता हूँ कितने गदगद हुए थे चौधरी अजीत सिंह जी उस फैसले से। आज अगर चौधरी अजीत सिंह जी जिंदा होते कितने प्रसन्न होते, ये मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। मैं भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी को, भारत सरकार को और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि उनके विजन का हिस्सा है जो उन्होंने निर्णय लिया, भारत रत्न से नवाजा है, तीन अवार्ड दिए गए हैं, खासतौर से चौधरी चरण सिंह जी को जो सम्मानित किया है, बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया है। देश की भावनाएं इस सरकार के इस फैसले से जुड़ी हैं और ये साबित किया है मोदी जी ने कि वो देश के मूल भावना और चरित्र को बेखूबी समझते हैं और जानते हैं। बहुत समय से गांव के लोगों में एक टीस थी कि जो उनके बीच के व्यक्ति इतने बड़े राजनेता, बड़े बड़े पदों पर रहते हुए, उनके लिए जिन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष किया, ऐतिहासिक निर्णय लिए, जिनका प्रभाव आज भी कमेरा वर्ग, किसानी और मजदूरी कर रहे लोगों पर पड़ता है, चौधरी चरण सिंह जी जो आज तक कोई भी पूर्व की सरकार नहीं कर पाई, वो फैसला बेबाकी से नरेंद्र मोदी जी के विजन से और प्रयासों से और उनके समर्पण भाव के कारण हो पाया। तो मैं फिर कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, जो आज मुख्यधारा में लोग नहीं हैं उनकी हिम्मत बढ़ाने का फैसला आज भारत सरकार ने लिया है। पूरे देश में सभी चौधरी साहब को मानने वाले लोगों के लिए खुशी के पल है। मैं चौधरी अजीत सिंह जी को भी याद करता हूँ, ये उनका सपना था और इसलिए मैं कहता हूँ दिल से मोदी जी को विशेष तौर से धन्यवाद और आभार कि आपने आज चौधरी अजीत सिंह जी का अधूरा सपना पूरा किया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की घोषणा एक अभिनंदनीय घोषणा है। यह देश के करोड़ों किसानों का सम्मान है। उत्तर प्रदेश के लिए यह और भी अभिनंदनीय है क्योंकि चौधरी साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने अतुलनीय सेवा उत्तर प्रदेश को दी। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने एक दिशा प्राप्त की थी। चौधरी साहब का कहना था कि देश के विकास का रास्ता गांव और खेत खिलानों से होकर के जाता है। चौधरी साहब की सुक्ति को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज सार्थक किया है और यह आज एक नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है, जब चौधरी साहब को देश के किसानों और देश के अतुलनीय विकास के लिए, उनकी सेवा के लिए आज भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं और चौधरी साहब के प्रति उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि भी देता हूं।
आइए सीधे मिलन शर्मा हमारी संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। मिलन, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब जयंत चौधरी बात कर रहे थे आप भी मौजूद थे, आपने भी प्रश्न पूछा, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयंत चौधरी के दिल के साथ साथ उनका दल भी जीत लिया है? बिल्कुल सईद, ये मेरे ही सवाल पर जब मैंने जयंत चौधरी जी से पूछा कि क्या अब आप भाजपा के साथ हाथ मिलाने को तैयार हो गए हैं, तो उन्होंने सीधे मुंह जवाब दे दिया कि अब कसर क्या छोड़ी है, वो किस मुंह से मना करेंगे। क्योंकि जो सूत्रों के हवाले से खबर थी, दो सीटों पर समीकरण हो चुका है, एक सीट राज्यसभा की भी मिल सकती है, इन तमाम बातों को लेकर जयंत चौधरी ने पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं भी मना नहीं किया या नकारा नहीं इस बात को कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं। और रही बात आपके प्रश्न की कि जाट वोटर किस तरीके से इसको देखते, बिल्कुल ही उन्होंने जाटों का दिल भी जीत लिया है, किसानों का दिल भी जीत लिया है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से भाजपा जिस तरीके से फूक फूक कर कदम रख रही थी, चाहे वो यूपी के विधानसभा चुनाव भी हो, इस वक्त वो काफी फ्रंट फुट पर दिखाई दे रहे हैं। और यही बात है शायद कि रालोद में भी आज जश्न मनाया गया और जयंत चौधरी ने भी खुद कह दिया और इस पर अंकुश लगा दिया कि हाँ, मैं अब भाजपा के साथ आगे चलने वाला हूँ, चाहे उन्हें चवन्नी वाले बयान के लिए ट्रोल किया जाए ना किया जाए, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने ये भी कहा मेरे पूछने पर कि मैं कोई भी ट्वीट डिलीट नहीं करूंगा, मैंने उस परिस्थिति के हिसाब से मेरा बयान दिया था और आज की हालाती परिस्थितियां अलग हो सकती है, तो मैं अपनी बात से पीछे तो नहीं हटने वाला। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान, क्या बताना चाहते हैं इस देश को, किससे किसकी ठनी, न्याय की मंजिल नहीं बनती है, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश, खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल, देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। समय पर आपको सुनाई देते शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, नौ सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है, सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत, संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा, संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए जनता के द्वारा जनता की दस्तक, श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान, क्या बताना चाहते हैं इस देश को, किससे किसकी ठनी, न्याय की मंजिल नहीं बनती है, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश, खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल, देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर।